सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं होंडा शोरूम, कॉज हमें कॉल आया होंडा शोरूम से कि एक न्यू बाइक आई है, एडवेंचर बाइक। आप लोगों ने सुना होगा आज से अप्रॉक्स एक से दो मंथ पहले वो लॉन्च हुआ था, लेकिन यहाँ पे आया नहीं था, बट आज आ गया। तो यहाँ से चलते डायरेक्ट शोरूम। फिलहाल तो अभी रोड पर और अपनी आर एस के साथ है यार, शोरूम चलते हैं, उस बाइक का रिव्यू करेंगे और होपफुली देखो अगर राइड रिव्यू मिल जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में राइड रिव्यू आ जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। बाकी बस हम लोग अब शोरूम पहुंच ही गए, इस वाले रोड के एंड में है और हमारे साथ अभी केशव है, अपनी रॉयल इनफील्ड मतलब सामने चल रहा है वही ग्रीन हेलमेट। तो इसका भी इंस्टाग्राम हैंडलिंग वगैरह @thespeed45 और इंस्टाग्राम आईडी एंड यूट्यूब आईडी speed करके है। तो जाओ आप लोग जाके थोड़ा सब्सक्राइब करो भाई को। तो वो आगे पे रहा शोरूम होंडा का और यहाँ पे चलते हैं, होपफुली बाहर में ही लगा होगा, कॉज मेरे को कॉल करके बोला गया था कि बाहर पे ही लगा रहेगा। तो देखो मेरे को दिख रहा है शीशा के बाहर से शिवम होंडा जो प्रेजेंट है भंडारेडी में। तो चलो अंदर। तो दिस इज़ द ब्रांड न्यू लॉन्च फ्रॉम होंडा और टूरिंग बाइक है CB200X और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रही है फ्रंट वगैरह से, बड़ी बाइक को रिजेंबल कर रही है, अफ्रीका ट्विन वगैरह आप लोगों ने देखा होगा उसका जस्ट एज अ रेप्लिका लग रहा है विद 200cc। और वो सब दोनों वीडियो को एंड में बताएंगे, मतलब कि वीडियो को स्किप करके मत देखना। और इस वाले में आपको नकल कवर वगैरह जैसा विद LED विंकर्स जैसा पीछे लिखा हुआ है, वाइज़र वगैरह तो है ही, और जैसा फ्रंट फेस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्रंट फेस है, देखने में कोई बड़ी ट्रैवलर सुपर बाइक को मतलब कि रिजेंबल कर रही है, जैसा आपका BMW का GS वगैरह हो जाता है, अफ्रीका ट्विन वगैरह हो जाता है, ट्रम्प टाइगर वगैरह हो जाता है। तो बजट फ्रेंडली ट्रैवलर के लिए ये वाली बाइक लॉन्च करी गई है होंडा की तरफ से और एज अ राइवल बन सकती है आपकी एक्सपल्स 200 की। और फ्रंट फेस की अगर बात करें तो फिलहाल पहले कलर बता देते हैं, अभी दो कलर मेरे पास प्रेजेंट है, सिल्वर आपका येल्लो इधर देखो एंड इस साइड में आपका रेड वाइट के जो पैटर्न में, और ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा बहुत BMW GS जो 1250 आता है उसको थोड़ा सा रिजेंबल कर रही है। बाकी बात चलो अब फ्रंट फेस से शुरुआत करते हैं, आप लोगों को वीडियो को स्किप करके मत देखने ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कॉज होपफुली अगली वीडियो में इसका टेस्ट राइड आ जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट फेस आप लोग देख लो, फ्रंट में आपको LED यूनिट हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है, साथ साथ आपको वाइज़र मिल रहा है और काफ़ी अच्छी टूरिंग बाइक मैं बोलूँगा इसे, कॉज अब मार्केट में नया लॉन्च किया है। और साथ साथ यहाँ पे देखो आपको 1000 इंडिकेटर्स वगैरह भी तो मिल रहे हैं एंड LED के साथ ये वाली इंडिकेटर मिल रही है जो आपके नकल गार्ड मतलब कि आपका हैंडबार गार्ड में लगा हुआ है। फ्रंट फेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड अगर फ्रंट फोक की बात करें तो USD फोक्स आपको फ्रंट में प्रोवाइड किया गया है होंडा की तरफ से, गोल्डन USD फोक्स। ABS वगैरह ऑफरिंग कर रही है, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, फ्रंट में डिस्क है एंड ABS रिम। आप यहाँ पे देखो MRF का फ्रंट टायर है और एक अच्छी बात है कि ट्यूबलेस टायर है तो कोई वैसी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। टायर डायमेंशन आप लोग को बता देते हैं, 110x70 का टायर डायमेंशन है, 17 इंच का अलॉय है और इस साइड्स में भी आप देख लो रिफ्लेक्टर वगैरह आपको मिलेंगे। तो फ्रंट फेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है मैं बोलूँगा। और बॉडी की बात करें तो इस साइड से बॉडी देखो यार, बॉडी भी एकदम मैसिव लगती है, जैसा आपको होंडा का लोगो वगैरह मिल जाएगा यहाँ पर एंड साथ साथ जो पूरी ये वाली फेयरिंग है वो काफ़ी बड़ा रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वाली यहाँ पर देखो X200 जैसा आपका GS 1250 में लिख के आता है, वो भी कहीं साइड पे लिखा रहता है, तो डिट्टो वैसा ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आते हैं इसके इंजन वगैरह के रिगार्डिंग, तो आपको अराउंड 184cc का इंजन मिल जा रहा है इस पे। पावर की बात करें तो 16.5 PS का पावर और 15.5 Nm टॉर्क मिल रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन है
और बाकी सिंगल चैनल ABS तो बताया, और ये इसका कंप्लीट इंजन का जो नीचे प्रोटेक्ट करेगा, जैसा आप लोग देखोगे यहाँ आपका आगे लगा हुआ एक फाइबर का यूनिट और कंप्लीट ब्लैक इंजन है। साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों दिया हुआ है। CB200X का आपका ग्राफिक यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। हैंडल की बात करें तो कंप्लीट स्ट्रेट हैंडल है, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। और हैंडल में आपको पास लाइट वगैरह, राइट लेफ्ट इंडिकेटर वगैरह, हॉर्न हो गया, किल स्विच वगैरह, हज़ार लाइट ऑन ऑफ बटन एंड इग्निशन का मिल रहा है। आपका जो की डालने का पोजीशन है वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, तो की अगर ऑन करते हो तो नेगेटिव डिस्प्ले में मीटर चालू होगा और आपको गियर इंडिकेटर वगैरह बताएगा, फ्यूल वगैरह बताएगा, स्पीडो वगैरह हाई, RPM बताएगा और ट्रिप है, ट्रिप भी, बैटरी वगैरह। और यहाँ पे आप देखोगे तो ABS, न्यूट्रल का लाइट और हाई बीम का लाइट आपको ऑफर करेगा। तो पहले न्यूट्रल पे करते हैं बाइक को और चलो स्टार्ट करके देखते हैं एग्जॉस्ट नोट। स्टार्ट तो काफ़ी तगड़ी हुई है भाई, एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा थ्रॉटल देंगे। आवाज़ सही ही कर रही है अपने हिसाब से, मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा भारी साउंड नहीं है। और बाकी RPM मीटर वगैरह एक बार देख लो आप, थोड़ा सा विसल टाइप का साउंड आएगा जब इसका RPM हिट करता है, तो सुनो थोड़ा। तो ये था भाई इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह, जैसा आपको साउंड कर रहा था थोड़ा सा पतला साउंड है। और बाकी बात मीटर वगैरह तो आप लोगों ने देखा RPM मीटर वगैरह कैसे वर्क कर रहा था। अगर टैंक की बात करें तो टैंक का जो कट्स वगैरह है वो काफ़ी सही दिया हुआ, काफ़ी तगड़ा कट लग रहा है जैसा देखो आप लोग, जैसा बड़ी बाइक को रिजेंबल कर रही है थोड़ा बहुत। अफ्रीका ट्विन की रेप्लिका तो है ही, और बाकी 12 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी है आपका, और टैंक में ही आपको की होल्डर वगैरह दिया हुआ है। सीट की बात करें तो सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं बैठ के देखा था, मैं कॉज पूरी कम्फर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपका पिलियन सीट भी पूरी कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहा है। साथ साथ जो ग्रैब हैंडल से वो अच्छा खासा ग्रिपिंग देगा अगर कोई बैठता है पिलियन वगैरह। और बाकी हाइट वगैरह की बात करें तो मेरा हाइट है 5'11", तो एक बार मैं बैठ के आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा लगता है। तो फिलहाल मेरा हाइट 5'11" है और पैर तो आराम से रखा रहा है डुअल स्टैंड पे, इसको डुअल स्टैंड से उतार के एक बार देखते हैं। तो पूरा कंफर्टेबल हो गया मैं, और मेरा पैर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कंप्लीट आपका, मतलब कि कंप्लीट फ्लोर से चिपका हुआ है पैर, और थोड़ा बेंड भी हो जा रहा है। हाइट है मेरा अराउंड 5'11", और कोई दिक्कत नहीं हो रहा। 5'8" के अगर कोई बंदे बैठते तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 5'7" भी आराम से बैठ जाओगे। बाकी इस साइड से जो कॉकपिट वगैरह है वो काफ़ी मतलब कि यूज़र फ्रेंडली लग रहा है, उतना ज़्यादा भारी सिर्फ दिख रहा है बाहर से, बाकी चलाने में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इसे। और यहाँ से कंप्लीट ये जो पोस्चर है इसका, सिटिंग पोस्चर वगैरह सारा आपका अपराइट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइड स्टैंड अगर लगाते हो तो आपको साइड स्टैंड इंडिकेट भी कर देगा यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा हाइट वगैरह, जैसा मैं बता रहा था मतलब कि मेरा पैर तो आराम से पहुँच जाएगा, बिकॉज 5'11" मेरा हाइट है, और 5'8" 5'7" के मैं मतलब कि 5'8" तक मैं आराम से बैठ जाएगा, बिकॉज इसका सीट काफ़ी नीचे है, उतना ज़्यादा उठा हुआ सीट नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली है हाइट के हिसाब से और उतनी ज़्यादा भारी भी नहीं है। और साथ साथ मोनोशॉक सस्पेंशन आपको रेयर में मिल रहा है। और बाकी अगर चलाने की एक्सपीरियंस की बात करो तो वो अभी हम लोग लिए नहीं है, टेस्ट राइड भी ज़रूर लेंगे। पीछे का लाइट इसका X को रिजेंबल कर रहा है, जैसा आप लोग देखो सिनेमैटिक में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये कंप्लीट X हो गया लाइट। एंड साथ साथ जो इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं आपके LED यूनिट में दिए हुए हैं। टायर्स पे आते हैं रेयर के, तो रेयर का टायर थोड़ा चौड़ा है, आपको अराउंड 140x70 का टायर है, 17 इंच का एलॉय है, अच्छा खासा ग्रूव है टायर पे, सिटी पे और ऑफ रोड में अच्छा खासा मज़ा आएगा। बाकी बात रेयर में सिर्फ आपको डिस्क मिल रहा है, ABS मिल नहीं रहा है, और इस साइड से देखोगे तो साड़ी गार्ड एंड ऑल, बाकी गियर शिफ्टर वगैरह तो है ही। और ये इसका कंप्लीट आप समझ जो इसका रिव्यू था रिगार्डिंग इस एग्जॉस्ट नोट, रिगार्डिंग इट्स रिव्यू, और साइड स्टैंड मेन स्टैंड दोनों दिया हुआ है। तो चलो अब इसका प्राइस वगैरह पूछते हैं, और साथ साथ मैं बोलूँगा एक और कलर आता है इसका, जो पीछे आप लोग देख रहे होगे रेड कलर में लगा हुआ है मतलब बैनर पे, तो वो वाला भी अवेलेबल नहीं है, और ये वाला जस्ट शोरूम में उतरा, मेरे को कॉल आया और मैं इस पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलो इसका प्राइस वगैरह पूछ के आप लोग को बताते हैं क्या पड़ेगा। तो ये दोनों बाइक
बाइक्स आपको अवेलेबल है शिवम होंडा में, बाकी आपको बुकिंग ओपन है इसका, मतलब बुकिंग वगैरह करा सकते हो। पीछे अगर आप लोग नंबर देखोगे तो देखो ये इनका नंबर हो गया, बाकी ईमेल एड्रेस वगैरह हो गया, यहाँ पे कांटेक्ट करो आराम से। और आपको बुकिंग वगैरह कराना है तो बुकिंग वगैरह कराओ, बाकी अभी तो शोरूम में अवेलेबल है। और इसका प्राइस जो आपको पड़ रहा है एक शोरूम वो है 1,45,000। बाकी आपको कंप्लीट डिटेल्स इसका प्राइस के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, EMI के रिगार्डिंग, डाउन पेमेंट के रिगार्डिंग या फिर बुकिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो शोरूम में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब कि शोरूम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ पर जाके आराम से कॉल कर लो। तो चलो हम लोग वीडियो करते हैं एंड। मैं बोलूँगा अच्छी खासी कंपटीशन दी गई है अपने कैटेगरी वाली जितनी भी ट्रैवलिंग बाइक है रिगार्डिंग हीरोज़ एक्सपल्स 200, और दमदार तो लगी रही है होंडा की जो ISCV 200X। बाकी बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को कैसा लगा, काफ़ी भारी इंटरफेस है और काफ़ी भारी इसका डिज़ाइन वगैरह भी है, LED वगैरह भी अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है, फोक्स वगैरह भी काफ़ी तगड़े दिख रहे हैं, USD फोक्स आपको मिल रहे हैं जो इंडियन रोड्स के हिसाब से काफ़ी बेटर रहते हैं और काफ़ी बेटर परफॉर्म करते हैं। चलो एनीवेज वीडियो को करते हैं हम लोग एंड। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। Thank you for watching and keep supporting.